से लगा के सड़क तक आदमी ही आदमी हो। सारा बुढ़ापा खराब हो गया, मेरे बाप को मेरे भैया को मारा। देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल है कि इस देश के सियासत का अब चरित्र किस तरह का हो गया है। जी हां, अफवाह अफवाह के बाद वो भी एक ऐसे मामले को लेकर जिसमें खाने पीने का मामला है, बीफ खाया, अफवाह अफवाह के बाद हत्या, हत्या के बाद राजनीति, और राजनीति के इसी चरित्र पर आज हम करेंगे चर्चा। यही सवाल भी आज हम पूछेंगे हल्ला बोल में। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिन सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। बीफ पर हत्या को लेकर क्या राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, क्या अफवाह के बाद हालात संभालने में सरकार नाकाम रही, यूपी में पंचायत चुनाव के चलते बीफ पर वोटों का खेल क्या चालू हो गया है, हत्या को मंत्री महेश शर्मा ने गलत फहमी का नाम आखिर क्यों दिया, हत्या के हादसे को धार्मिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों देश को ऐसे मुद्दों पर बांटने की कोशिश की जाती है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका परिचय हम आपसे करा दें। संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, गौरव भाटिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी होंगे, राकेश सिन्हा होंगे संघ विचारक, अन्य मेहमान भी कई हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा ने विकास की कई इबारतें लिखी है। यहीं के गांव में जो कुछ हुआ है वो शर्म से सर झुका देने वाला है। बताते हैं आपको कैसे बीफ के इर्द गिर्द एक अफवाह अफवाह के बाद हत्या। पुजारी जो यहां पर है वो क्या कह रहा है, आइए पहले आपको सुना देते हैं। लोगों का यह कहना है कि यहीं से अनाउंसमेंट हुआ था, किस तरीके का अनाउंसमेंट हुआ था? हम यहां पर 10:30 बजे मैं और मेरा चिल्ला हम लेटे हुए थे अंदर, तो यहाँ पर दो लड़के आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी दरवाज़ा खोल लो। हमने कहा कौन है भाई, इस टाइम क्या बात है, ना दरवाज़ा तो खोल लो। हमने दरवाज़ा खोल दिया, उन्होंने कहा जी एक अलाउंस करो, किस बात का? वो कहने लगे यहाँ जी रोड पे बड़ा ट्रांसफार्म पे किसी ने गाय को काट के डाल दिया। मैंने कहा मका भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अलाउंस नहीं कर सकता। मेरा शिष्य कहने लगा गुरु जी की तबीयत ख़राब है, ये अलाउंस नहीं करने के, तुम स्वयं अलाउंस कर लो। वो कहने लगे कि तुम सब्जी वालों का अलाउंस करते हो, तुम क्या नाम जो कपड़े वाला आता है उसका अलाउंस करते हो, जो मंदिर प्रोग्राम होता है उसका अलाउंस करते हो, तुम हमारे मंदिर में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, तुम अलाउंस नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती करी कि आप अलाउंस करो, हमारे गाँव में ऐसी घटना हो रही है और तुम लॉन्च नहीं करने, कैसा लॉन्च करना? उन्होंने मुझसे कहा बल्ला ये कहो कि रोड पे जहाँ पर बड़ा ट्रांसफार्म है वहाँ पर किसी ने गाय को काट कर डाल दिया और वहाँ पर ये आदमी इकट्ठे हो जाओ। तो आपने उसके बाद अनाउंस कर दिया पूरा? जब उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती कर दी मैं क्या करता, मैं तो महात्मा हूँ, मंदिर पर रहता हूँ, मेरे से कोई आएगा लॉन्च करो भाई, सब्जी वाले आते हैं, सभी प्रकार के आदमी आते हैं, कोई कपड़े वाला आता है, अच्छा कोई इस प्रकार की बात कहेगा, 10:40 की टाइम की बात है, तो ऐसी बात हुई। दो लड़के आए यहाँ पर, उन्होंने गेट खुलवा, हम दोनों अंदर लेटे हुए थे, जो कि लेटे थोड़ी देर पहले बस। पुलिस आपको यहाँ से लेकर के गई थी, क्या पूछताछ किया पुलिस ने? पहले पुलिस ने हमारे से बयान लिए दोनों से, यहाँ से कैसे कैसे जो हमने आपको बताया वही हमने पुलिस को बताया, फिर इनसे मैं बोल रहा हूँ आपको बुला रहे हैं, आप तो वहाँ बयान होंगे रोड पर ही, वहाँ भी हमसे ये बात कही वो कौन थे, मका जी हम उनको शक्ल से जानते नाम से नहीं जानते। फिर उन्होंने मेरे लड़के दिखाए, हमने कहा इनमें कोई नहीं है, फिर वो हमें साथ ले गए गाड़ी में बैठा करके थाने में। ये वही पुजारी है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसके मंदिर से ये घोषणा, इस ऐलान का आरोप है कि इस परिवार के घर में बीफ रखा जाता था, खाता था, जहां से अफवाह फैली। पुलिस ने इसीलिए इस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जिसकी ये जानकारी दे रहा था। इसकी आप बातचीत सुन रहे थे आज तक पर। लेकिन अब सवाल उस सियासत की। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ आशुतोष भी आम आदमी पार्टी के जुड़ जाएंगे। सबका चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए आपको बता दें शाइस्ता भी हमारे साथ जुड़ रही है जो दरअसल उस परिवार से है जिसमें यह हत्या हुई है।
शाइस्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं। मुझे एहसास है कि बहुत मुश्किल घड़ी है ये आपके परिवार के लिए, लेकिन इस देश के तमाम सियासतदान इस वक्त आपके साथ हैं, आपको सुन रहे हैं। क्या कहेंगी आप, किन शब्दों में अपने सवाल पूछेंगी? डर और खौफ है आप लोगों में, वहां रहना नहीं चाहती हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीजेपी सबके नेता हैं, क्या कहेंगे? हम क्या, हम यही कहना चाहते हैं जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है हमारे लिए, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है हमारे लिए। आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप कि हमने बातें सुनी है, किस तरह से आप रो रही थी, बिलख रही थी जब ये हादसा हुआ परिवार में। जी, बहुत बुरा किया था हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, और भी बातचीत करेंगे। गौरव भाटिया जी, ये आजम खान या तो अखिलेश यादव से बुरी तरह से परेशान हैं और ये कह रहे हैं खुद कि पुलिस और प्रशासन सब लेट पहुंची इसलिए ये सब कुछ हुआ है, तो साहब आप ही की तो सरकार चल रही है यूपी में। नहीं अंजना जी, सबसे पहले ये बहुत ही दुखद घटना है और सरकार की प्राथमिकता इस वक्त एक ही है कि इन लोगों को इंसाफ मिले। और कल से हम लोग देख रहे हैं कि जहां तक पुलिस और प्रशासन की बात है, वो घटनास्थल पर 15 मिनट से कम समय में पहुंची, जो कि मैं समझता हूं हर मापदंड से बिल्कुल उचित रिएक्शन टाइम था। 6 अरेस्ट हुई, 10 लोग जो नामजद थे उसमें से। उसके बाद जान बचाने के लिए पुलिस ने उन लोगों को पूरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिलवाया, उसका अभी भी सरकार जो है पूरा ध्यान रख रही है, और जो बाकी भागे लोग हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। अभी हम सुन रहे थे जो मृतक के परिजन हैं वो भी कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हो रही है, और उनके घर पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। इस पूरी घटना का राजनीतिकरण हम लोग नहीं कर रहे अंजना जी। आजम खान जी के बयान की आप बात कर रही हैं, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको अपनी बात नहीं पूरी करने दूंगी सर, मैं आपको रोकूंगी। आजम खान साहब ये कहते हैं, एक सेकंड सर, नहीं क्योंकि मैं काउंटर क्वेश्चन तो करूंगी ना आपसे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, आप बताइए वो हिस्सा जिसमें वो धर्म के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं, वो बताइए जो धर्म से जोड़ा है उन्होंने इस मामले को, और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट दिया जा रहा है जो पाकिस्तान नहीं गए। क्या अर्थ है इसका, क्या अर्थ है इसका? आपने उनकी पूरी पूरा बयान सुना है, तो आप पहले थोड़ा धैर्य रखिए। आप एंकर हैं, आपने प्रश्न किया और मैं खुद ही उसका उत्तर दे रहा था। आजम खान जी से ये बताया गया कि जो भाजपा के एमएलए हैं उसी एरिया के जो रहे हैं, नवाब सिंह नागर, उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया है इस पे। और नवाब सिंह नागर का कल का बयान आपने जरूर सुना होगा, उन्होंने कहा था कि ये जो बच्चे हैं ये उत्साहित हो गए, उन्होंने एक जान ले ली और इन बच्चों से उत्साह में गलती हुई है और इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं धैर्य नहीं रखना चाहती गौरव भाटिया जी, बात करते हैं। गौरव भाटिया जी, मैं धैर्य नहीं रखूंगी। धैर्य का पाठ आप पढ़ाएं उस परिवार को जिसने अपने को खोया है। अंजना जी, ये तो उस परिवार को आप सिखाएं जिन्होंने अपने को खोया है। आप मुझे धैर्य बता रहे हैं ताकि आप बीजेपी पर हमला कर सके। मैं तो सर आपकी जवाबदेही पूछ रही हूँ, मैं आपकी जवाबदेही पूछ रही हूँ सर, आपकी जिम्मेदारी पूछ रही हूँ। तो मैं आपको जरूर कहूंगा धैर्य रखिए, आप बीजेपी पर 100 आरोप लगाइएगा, लेकिन ये समझाइए, ये समझाइए सर, ये समझाइए। मैंने पहले शुरुआत इस चर्चा की वो बता के करी जो सरकार ने कदम उठाए हैं, जिस तरह से हम लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं, उनकी सुरक्षा, उनको हर तरह की सहानुभूति, जो भी उनको आर्थिक और मदद चाहिए हम लोग सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मुद्दे को घुमा के कोई और बात करेंगी तो उसका जवाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, जवाब देने में कम से कम आप लोग जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं। ठीक है गौरव जी, कम से कम जवाब देने में टीवी पर आप लोग जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं। नहीं ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, आपने कहा कि 15 मिनट में पुलिस पहुंच गई। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव आजम खान कह रहे हैं, संज्ञान लेके खुद कहते हैं कि सर आजम खान फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, कार्रवाई होगी आपकी पुलिस और प्रशासन लेट से पहुंची कि हम लोग कितने, आजम खान क्यों कह रहे हैं फिर ऐसा? कौन कहता है लेट पहुंची? आपको जानकारी है अंजना जी, आजम खान कह रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ सर आपसे, जो सीनियर है, आपने सुना ही नहीं मेरा सवाल। मैंने सवाल के शुरू में ही कहा था कि आजम खान या तो बहुत परेशान है अखिलेश सरकार से। अभी नहीं, ठीक है, आपने जवाब दिया कि 15 मिनट में पुलिस पहुंची थी। एक बार मुझे अब संबित पात्रा जी के पास चलने दीजिए, मैं लौटूंगी सर आपके पास। संबित पात्रा जी,
गलतफहमी दिखाई देती है ये उस सांसद को जो इस इलाके का सांसद है, जो इस देश का टूरिज्म मंत्री है, वो इतनी गंभीर घटना को गलतफहमी बता रहे हैं। किसको बचा रहे हैं वो? देखिए, किसी को बचा नहीं रहे हैं। मैंने उनके पूरे वक्तव्य को सुना है, आप भी चला दीजिए। उन्होंने कहा है कि कानून सख्त से सख्त सजा दे, जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाए। सर, गलत और एग्जैक्टली उन्होंने यही वर्डिंग यूज किया है। संबित पात्रा, जहां तक गलत फहमी का सवाल है, मुझे लगता है एक रॉन्ग, एक सेकंड, ये बीच में क्यों बोल रहा है? हाँ, मैं इतना जहां तक गलत, नहीं, मैं गलती से वो बोल गया। मैं कौन बोल रहे हैं? क्या होता है संबित जी, आप नेशनल टेलीविजन पे मैं अपोलोजाइज करता हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ मेरे मुंह से। और आप गलती से कौन बोल रहा है? गौरव जी, मैं आपको सर बुला लिया करूंगा। डोंट फाइट ऑन दिस सर। मेरा इतना कहना था, जहाँ पे कुछ मत बुलाइए, लेकिन कम से कम थोड़ा सा अगर आप जी, हो गया सर। गौरव जी, हमने भी उनसे कह दिया, उन्होंने खुद कह लिया है। गौरव जी, हमने उनसे कह दिया, उनकी बात बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन माई साउंड सिस्टम समथिंग बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन माई साउंड सिस्टम वो मेरे मुंह से निकला, मैंने तुरंत महसूस किया और आपको कह दिया। जी, ठीक है संबित जी, अपनी बात पूरी करिए। गलतफहमी आप समझाइए, गलतफहमी शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया, जरा समझा। मैं समझा रहा हूँ, आप लोग अगर मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दे तो मैं तुरंत समझा दूंगा। देखिए, पहली बात है, उनके इंटेंशन में कोई संशय नहीं है। उनका इंटेंशन यही है कि जो अपराधी है उनमें से किसी को कानून व्यवस्था ना बख्शे। और उन्होंने बिल्कुल अनमिंस्ड वर्ड में, किसी प्रकार के शब्द को उन्होंने छिपाया नहीं है, क्लियर शब्द में कहा है। जहां तक एक वर्ड गलतफहमी है, मुझे लगता है हमें एक वर्ड को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। आप उद्देश्य को देखिए। आजम खान साहब वो साहब है जिनके लिए आप ही के चैनल ने, आपको याद होगा अंजना जी, मैं याद दिलाऊंगा कि आप लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और स्टिंग ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर में आजम खान रंगे हाथ पकड़े गए थे। स्टिंग ऑपरेशन में वो कह रहे थे कि फलाने लोगों को छोड़ दिया जाए और फलाने लोगों को जो निर्दोष है उनको पकड़ लिया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आपके चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। और स्टिंग ऑपरेशन, ये देखिए सर, आप बीच में मत बोलिए, आदरणीय सर, आप बीच बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ठीक है संबित जी, आदरणीय आप भी हैं, मैं चाहती हूँ कुछ निकले, आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, आप दोनों गलत करते, आप पूछ लीजिए आज तक ने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था कि नहीं, क्या वो स्टिंग ऑपरेशन गलत था? ये बहस भटक जाएगी, और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मैं शायस्ता को एक बार शामिल करना चाहती हूँ, प्लीज उनकी आवाज़। प्लीज गौरव जी, प्लीज, दंगों के जो आरोपी हैं वो तो आप ही के पास होते हैं, एक सेकंड, उनके बारे में संजीव बलिया को आपने मंत्री बनाया, एक सेकंड, आप इस बहस में सियासत नहीं कर सकते सर, एक सेकंड, दोनों की आवाज नीचे करके, आप दोनों से मेरा निवेदन है, एक सेकंड सांस ले लीजिए, प्लीज मुद्दे को समझिए, उसकी गंभीरता को समझिए, इस परिवार के दर्द का तो कम से कम सम्मान कीजिए। शायस्ता हमारे साथ है, शायस्ता सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे साथ हैं। आप लोगों का जो दुख है, जो दर्द है, जो मांगे हैं, वो सीधे उनके सामने रखिए। आप गौरव जी से सीधा बात कीजिए। शायस्ता जी, जी, वो बहुत बुरी तरह उन्होंने हम पर हमला किया था। घर में घुसे थे, घर में गेट तोड़ने की कोशिश की थी, गेट नहीं टूटा, तो पीछे वाले घर से आके ऊपर कमरे में चढ़ गए, और ऊपर कमरे में हम पापा थे मेरे, मेरा भाई था और मैं थे, तीनों हम ऊपर थे। गेट तोड़ा, विंडो तोड़ के हम वहाँ पहुँच गए अंदर। मेरे पापा को बहुत मारा, मेरे पापा को घसीटते हुए ले गए, मेरे भैया को बहुत मारा था, और हम सब पर हम सबको मारा था। हम सबके साथ बदतमीजी की थी, हम सबको, हमारे पापा को, हमारे भैया को ईंटों से मारा था, हमारी दादी जी को भी बहुत मारा, मम्मा को भी बहुत मारा था। अंजना जी, क्या मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल गौरव जी, आपको वो सुन रही है, जवाब दीजिए। इस बेटी के दर्द का कोई जवाब है आपके पास, जिससे अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखा? जवाब तो देखिए, जवाब तो अंजना जी बाद दूंगे, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आपको कोई जरूरत है ऐसी जो आपको लगता है कि पूरी नहीं की जा रही, सरकार या प्रशासन कुछ और कर सकता है सुरक्षा के मामले में, या और कोई मदद आपको चाहिए हो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शायस्ता जी बताइए।
जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है जी, हम उस पर संतुष्ट हैं। शायस्ता जी, और कुछ शासन या पुलिस या कोई और कुछ और कर सकती है जिससे आपको मदद मिलेगी? जो प्रशासन कर रहा है, जो कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है। नहीं, क्योंकि ऐसी बात आई थी शायस्ता कि आप लोग बहुत डर रहे थे यहाँ रहने। ये बहुत ही दुखद, शायस्ता जी ये बहुत ही दुखद है जो आपके साथ हुआ, और मैं आपसे इतना ही वादा करना चाहूंगा श्री अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, कि जो बाकी लोग जो फरार हैं उनको भी हम अरेस्ट करेंगे और इन सबको सजा होगी, ये वादा मैं आपसे जरूर करता हूं। और आपको अगर कोई भी आवश्यकता पड़े तो आप, मैं अपना नंबर भी जो है आपसे बांटूंगा, आप पुलिस भी है, प्रशासन भी है आपके साथ, कोई आपको धमकी दे, कोई परेशान करे, आप जरूर बताइएगा, हम लोग सब लोग आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हुए हैं। वो भरोसा दे रहे हैं, आपको भरोसा होता है? एक लाइन में अगर शायस्ता जी आप इसका जवाब दें, वो भरोसा दे रहे हैं कि इंसाफ होगा, भरोसा होता है आपको? जी जी, हमें भरोसा होता है, बिल्कुल हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अखिलेश जी, ब्रेक के बाद फौरन सर आपके पास भी आऊंगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। बीफ का अफवाह चरित्र, कैसे एक अफवाह के इर्द-गिर्द एक पिता की जान चली जाती है, एक पुत्र की जान चली जाती है, और उसी को लेकर अब सियासत भी हावी है। ब्रेक के बाद